What's up guys, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और इंडिया के लोगों का ट्रेडिशन माने या उनका शौक माने वो विंटर सीजन में अपने घरों में पिन्नियाँ बनाते हैं, लड्डू, बेसन के लड्डू हो गए फॉर स्नैक्स, ताकि सुबह वो चाय के साथ खा सकें या शाम को चाय के साथ खा सकें। पर उन लड्डुओं में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत हाई है उनमें। माना नट्स हैं, बेसन है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बट जो शुगर है वो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है। तभी आप जानते हैं कि उसमें शुगर लेवल हाई है तो हमारी बॉडी में क्या है, शुगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो एज अ फैट बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ, हाई प्रोटीन लड्डू, जिसे आप घर पर बना सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल शुगर है, जिसे आप अपने साथ ऑफिस में कैरी कर सकते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आप सुबह मील नहीं बना पा रहे हैं जल्दी उठकर या तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ये कंज्यूम कर सकते हैं, फिर हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा है, प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, प्रोटीन फैट लॉस के लिए है, हेयर ग्रोथ के लिए है, और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो आप ये मत सोचिए कि प्रोटीन आप सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, इट्स हैव लॉट्स लॉट्स ऑफ अदर बेनिफिट्स, सो लेट्स मेक इट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ है क्विकर ओट्स। आपने ध्यान रखना है कि क्विकर ओट्स नेचुरल हो, उनमें कोई एडिड शुगर ना हो, ना एडिड फ्लेवर हो, नेचुरल क्विकर ओट्स मैंने यहाँ डब्बे में लग रखे हुए हैं। और फिर हमारे पास है यहाँ पीनट बटर, पीनट बटर भी आपने ध्यान रखना है नेचुरल हो, नो एडिड शुगर, नो एडिड फ्लेवर्स। देन हमारे पास है हनी, आफ्टर दैट प्रोटीन एक्स, आप यहाँ प्रोटीन एक्स की जगह वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, बॉर्मेटा ऐड कर सकते हैं या कॉम्प्लान ऐड कर सकते हैं। सो और उसके साथ हमारे पास है दालचीनी और थोड़े नट्स, नट्स यहाँ मेरे पास 5 बादाम हैं, लगभग 5 काजू हैं और 30 सौगिया हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्विकर ओट्स लेंगे। क्विकर ओट्स को हम मेजर करके डालेंगे, आपने ऐसे ही नहीं डालने। 1, 2, 3, 4, 5 आपने क्विकर ओट्स ऐसे नहीं डालने, मेजर करके डालेंगे हम। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्रोटीन एक्स, लगभग 2 चम्मच हम इसमें प्रोटीन एक्स के ऐड करेंगे। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें दालचीनी, हम दालचीनी इसमें ऐसे ही नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे लाइक दैट। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नट्स और हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हम तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये सारा अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसको लगभग 30 से 40 सेकंड लगेंगे मिक्स होने में। याद रहे हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, आपको लगे अच्छे से मिक्स हो गया, तो हम इसमें ऐड करेंगे पीनट बटर। याद रहे आपने पीनट बटर का सिर्फ 1 स्पून ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज हैं जो आपको नहीं चाहिए। यहाँ हमने ऐड किया पीनट बटर और आप हल्के से टेस्ट के लिए 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने 1 चम्मच यहाँ पे हनी ऐड कर दिया, अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसको 1 से 1.5 मिनट तक लग सकता है,
अब आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। याद रहे पानी आपने चम्मच से ऐड करना है। 1, 2, 3, 4 and 5। अब आप दोबारा इसे ही लाएंगे। अगर फिर भी ये नहीं बन रहा तो आप बाद में फिर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मिर्ची पकने लग गया एक दूसरे से। तो ये पेड़े बनाने के लिए तैयार है मिक्सचर। इट्स ऑल रेडी। तो हम यहाँ पेड़े बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्सचर को अंदर से हाथ में लेंगे और उसे अच्छी तरह दबाएंगे। आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये लड्डू की फॉर्म में आने लग जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं। ये मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखे हुए थे और ये मैं एवरीडे कंज्यूम करता हूँ। तो बाई चांस अगर मेरा कोई एक मील छूट जाता है या मैं खा नहीं पाता हूँ किसी वजह से, तो मैं ये फ्रिज में से निकाल के कंज्यूम कर लेता हूँ और ये मेरे गोल को सेटिस्फाई करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोटीन लड्डू रेडी हो चुका है। आप इसको अभी खा सकते हैं या फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बाद में खा सकते हैं। आप इसको बहुत सारी क्वांटिटी में बना के फ्रिज में रख लीजिए और जब आपको ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, निकाला, कैरी किया और साथ लेकर गए। सो गाइस, इसमें ऑलमोस्ट 35 ग्राम प्रोटीन है और नियर अबाउट 30 ग्राम प्रोटीन है और उतने ही कार्ब्स है और शुगर ऑलमोस्ट 2 to 3 ग्राम और 5 ग्राम मिनिमम। सो ये परफेक्ट स्नैक है जो आप, आई नो बेसन के लड्डू को कम्पीट तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके हेल्थ गोल्स ये जरूर पूरा कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।